न तज्ज ज्ञानम, न तज्ज शिल्पम, न स विद्या, न स कला। अर्थात इस पूरे संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई विद्या है इसमें कला का आत्मचिंतन न हो। अर्थात कला इस पूरे संसार में हर जगह हर विषय में व्याप्त है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 1924 में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड गॉर्डन चाइल्ड ने इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जीबिशन के बारे में बताया। और जब ये इन एग्जीबिशन के बारे में वहाँ पे प्रकाशन हुआ, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में प्रकाशन हुआ, तो पूरा संसार दंग रह गया, क्योंकि जो ये आर्टिफैक्ट्स मिले हुए थे, ये जो कलाकृतियाँ मिली हुई थी, ये अपने आप में इतनी उत्तम थी, इतनी विकसित थी कि पूरे संसार में उस समकालीन जो नगरी सभ्यताएँ थीं वहाँ पर इनका कोई सानी नहीं था। तो पूरे संसार की नज़रों में हिंदुस्तानी भूभाग में पाई गई यह नगरीय सभ्यता एक आश्चर्य के विषय के रूप में प्रकट हो गई। अब यह आश्चर्य क्यों था? बच्चों, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि नवपाषाण काल से जब सभ्यता विकसित होती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारे नवपाषाण काल में हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वो फूड कलेक्टर थे, वो खाने को एकत्र करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि उन्होंने कृषि को अपनाना शुरू कर दिया, वो फूड प्रोडक्शन में आ गया। और जब फूड प्रोडक्शन होने लगता है तो फिर मास सिविलाइजेशन भी शुरू हो जाता है, लोग आके एक साथ में रहने लगते हैं और धीरे धीरे एक नगरी सभ्यता का विकास होता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र था उसमें ये पूरी सभ्यता में विकसित रूप में मिलती है। इस पूरी नगरीय सभ्यता का जो नगरी विन्यास था उसके बारे में हमने चर्चा जो ये वीडियो है इसके पहले पार्ट में कर ली है। आज के पार्ट में हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कलाकृतियाँ वहाँ पे मिली हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली इसको अगर हम मुख्य रूप से बांटें तो ये 5 तरह से हम इनका डिविज़न कर सकते हैं। पहला है प्रस्तर या मृदा मूर्तियाँ, दूसरा है धातु मूर्ति, तीसरी बीट्स या मनके, चौथे मोहरे, इनको सील्स बोल सकते हो, पांचवा है मृद भांड या बर्तन। तो चलते हैं। आपके सामने जो स्लाइड है उस पर एक आप देख रहे हो कि रेड कलर का एक धड़ है, एक मेल टोर्सो है। जॉन मार्शल ने जब इसको देखा, और ये एग्जीबिशन माधव स्वरूप वत्स जी ने हड़प्पा में करवाया था, जॉन मार्शल उस समय मोहनजोदड़ो की साइड देख रहे थे, तो वो आश्चर्य से इतने भर गए, और क्योंकि उस समय एग्जीबिशन बाकी विश्व में कई जगह भी हो चुका था, और जब इसकी डेटिंग करी गई तो ये पता लगा कि ये जो धड़ है, इसकी जो बनावट है, इसमें जितना शिल्प की उत्कृष्टता है, ये जो ग्रीस के हम लोगों को स्कल्पचर्स मिल रहे थे उससे भी करीब 2000 साल पहले इंडस वैली के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उसको फाइंड आउट कर लिया था। तो ये धड़ अपने आप में, जो ये मेल टोर्सो है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पूरे हिंदुस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपका सिलेबस है, उसके सिलेबस में जो आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा से प्राप्त होते हैं वहाँ पे 2 टोर्सो मिले हुए हैं, उनको रखा जाता है, जिसमें ये एक पहला है, करीब 4 इंच इसकी हाइट है और ये लाल रंग के बलुए पत्थर से बना हुआ है। आप देख रहे हो कि इसका जो हेड है वहाँ पे एक सॉकेट है, हैंड में भी सॉकेट है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि यहाँ पे अलग से हाथ को बना के, सर को बना के लगाया गया था। हड़प्पा से जो दूसरा स्कल्पचर मिला हुआ है वो एक डांसिंग फिगर है। इस डांसिंग फिगर में भी आप देख रहे हो कि एक टोर्सो ही है, एक धड़ है, बीच का पार्ट है, सर और हाथ और पैर दोनों ही जो हैं वो नहीं प्राप्त हुए हैं। ये भी सेलखड़ी पत्थर, एक बलुआ पत्थर है, उसका बना हुआ है और ये एक डांसिंग पोज में है। तो जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये नटराज का बिल्कुल प्रारंभिक स्वरूप रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और ये उसी का एक आविर्भाव है। हड़प्पा से यही 2 धड़ हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक तांबे का रथ भी प्राप्त हुआ है, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अगर धड़ के बारे में बात की जाए तो हड़प्पा से केवल ये 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो किसी भी एग्जाम्स में अगर आपके सामने आता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो स्कल्पचर है, ये जो धड़ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख रहे हो कि एक फिगर है, फिगर ने एक शॉल टाइप में एक
ओढ़ा हुआ है। ये जो शॉल है इस पर आप देख रहे हो कि फ्लावर बने हुए हैं, फ्लावर की 3 पत्तियाँ लगी हुई हैं और इसके हेड पे एक टर्बन क्रॉस बना हुआ है जिसके बीच में एक मन का एक बीट लगी हुई है। आप ध्यान से देखोगे अगर तो उसके जो राइट हैंड है उसके ऊपर भी एक बाजूबंद टाइप में एक क्रॉस है जिसके ऊपर भी एक बीट लगी हुई है। इसका अगर हम एक रिप्लिका देखें तो रिप्लिका में चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देती हैं। ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, इसको ये ज़ूम करते हैं कि ये मोहनजोदाड़ो के प्रीस्ट का स्कल्पचर है। इसकी जो दाढ़ी है, जो बियर्ड है, वो काफ़ी करीने से बनाई गई है। जो इसकी आईज़ हैं वो आधी बंद हैं और जो फाइन स्ट्रक्चर है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा भावपूर्ण है। आप देख सकते हो कि इसके जो बैक साइड में शॉल कवर किया गया है वो भी 3 पत्तियों वाले फ्लावर से इसको डेकोरेट किया गया है। ये जो फ्लावर है 3 पत्तियों वाला, ये आपका मेसोपोटामिया, सुमेरियन और इजिप्शियन जो आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं वहाँ भी इसको देखा गया है। और अभी भी देख सकते हो कि फीते से इसको हेड टाई किया गया है। अब आपके सामने जो स्कल्पचर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग लगभग सभी सेंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हुए हैं और जो इसकी टेक्निक है इसी टेक्निक को ही हर जगह अडॉप्ट भी किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम एग्जर्वेशन करते हैं तो ये माना जाता है कि ये मास सत्तात्मक एक नगरी सभ्यता थी जहाँ पे फीमेल सुप्रीम पावर में थी। इसको माता देवी की मूर्ति भी बोलते हैं। ये स्पेशली टेराकोटा में बनी हुई हैं। अब टेराकोटा का होता क्या है? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं। जब हम क्ले को 600 से 700 टेम्परेचर के बीच में बेक करते हैं तो मिट्टी जो होती है वह पकने के बाद में लाल रंग में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो पानी में घुलती नहीं, उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो इस तरीके बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। इसकी जो टेक्निक है वो पिंच टेक्निक कहलाती है। पिंच टेक्निक में होता क्या है कि हम क्ले को बनाने के बाद में उंगलियों के बीच में दबा दबा के उसको ज्वाइन करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसकी आईज़ हैं वो अलग से बना के लगाई गई हैं, लिप्स है, नोज़ है, या अपर हेड गियर भी है जो नेकलेस ने गले में कैरी किया हुआ है, ये भी अलग से बना के लगाया गया है। पिंच टेक्निक में इस तरीके से काम होता है। आप देख रहे हो कि ये बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बनाया गया है। ये भी आपका टेराकोटा स्कल्पचर्स में ही आएगा और ये वहाँ पे मैक्सिमम नंबर में बहुत आयात रूप में हर सेंटर पे मिले हुए हैं। एक डिफरेंट टाइप की भी स्कल्पचर्स इंडस वैली में मिले हुए हैं जिसमें जो आइस है, आइस को सॉकेट फॉर्म में कट किया गया है। ये अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रीक जो एग्जीबिशंस हुए थे ग्रीस में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो उसकी आइस सपाट है, जो उसके बीच के आईबॉल होता है उसको उन्होंने पूरा सपाट रखा हुआ है। लेकिन उससे 2000 साल पहले ही आइस के इफेक्ट को दिखाने के लिए बीच में सॉकेट को बनाना इंडस वैली के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने शुरू कर दिया था। सिमिलर वे में क्ले से बहुत सारे खेलने के सामान, बच्चों के खिलौने आदि बनाए गए हैं। बैलगाड़ी हो गई, वहाँ पे पहिए बनाए गए हैं, इनको बेक किया गया है और जो खिलौने गाड़ी है उसका जो एनिमल है उसके बीच में भी राउंड करने के बाद में उसको पहिए को सेट किया गया है। बैलगाड़ी भी इस तरीके से आपको रंगपुर या राखीगढ़ी में प्राप्त हुई है। ये एक मेटल का पहिए वाला खिलौना है, तांबे का है ये, और इसकी कास्टिंग भी करी गई है। अब आपके सामने जो स्कल्पचर है ये मेटल कैटेगरी में आता है। इसको डांसिंग गर्ल बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज़ वेल एज़ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जगह। अब डांसिंग गर्ल क्यों बोलते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपने देखा होगा कि पहले पार्ट भी हमने डिस्कस किया था, पाकिस्तान ने अपना एक स्टैम्प जारी किया हुआ है, उस स्टैम्प में भी उन्होंने मोहनजोदाड़ो के वेल के साथ में उसको जगह दी है। तो ये एक अपने आप में आइकॉनिक फिगर है। अब इसी फिगर को हम डिस्कस करते हैं। इसके 3 पोजेस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके एक हैंड में बैंगल्स हैं, दूसरा हाथ जो है कमर पे है और हेड हल्का सा ऊपर की ओर दिशा हुआ है और पूरी बॉडी जो है बाकी वो न्यूड है। इसका जो बालों को बांधने का तरीका है वो आप देख सकते हो कि ये गणिका के रूप में दिखाया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो बनाने की टेक्निक है आज से 5000 साल पहले मेटल कास्टिंग की टेक्निक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्टिस्ट थे वो जानते थे और इस टेक्निक को हम लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं।
आज भी साउथ इंडिया में तंजौर के पास में नटराज और देवी की जो स्कल्पचर्स हैं जो ट्रेडिशनल वे में बनते हैं उसमें भी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज़ होता है। अब ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में हम लोग जो नेचुरल वैक्स होता है उस नेचुरल वैक्स की हम स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल हूबहू वैसी मूर्ति बनाते हैं। बाद में गीली मिट्टी से उस स्कल्पचर को कवर अप कर देते हैं। कवर अप करने के बाद में जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उस मिट्टी के पूरे सांचे के ऊपर एक होल कर देते हैं और एक होल नीचे कर देते हैं। अब इस पूरे मिट्टी के सांचे के अंदर आपकी मोम की मूर्ति है। अब हम मेटल को गर्म करते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसको हम बिल्कुल पिघला देते हैं। बाद में उस जो सांचा है उसके ऊपरी जो छेद है वहाँ से हम इस मेटल को उसके अंदर पोर करते हैं, अंदर डालते हैं, और वो मेटल जैसे जैसे अंदर जाता है वो सारा वैक्स उसको जला देता है, और जब एक्सेस हो जाता है तो वो मेटल नीचे के होल से बाहर निकलने लगता है। तो हम जान जाते हैं कि पूरे अंदर के एरिए में जहाँ वैक्स था वहाँ पे आपका मेटल पहुँच गया है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो वैक्स होता है हमारा वो जल जाता है। डैट्स वाइज पूरी टेक्निक को हम लोग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं, और इस तरीके से हमको एक ठोस धातु की मूर्ति मिल जाती है। तो ये जो डांसिंग गर्ल है ये बिल्कुल सेम उसी टेक्निक से बनाई गई है, और भी कई सारे स्कल्पचर्स हैं जो वहाँ पे हमको पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में खासकर मोहनजोदड़ो के आसपास हमको मिले हैं जहाँ पे इस टेक्निक का यूज़ किया गया है। अब इस जो डांसिंग गर्ल है इसकी जो हाइट है किसी बुक्स में 14.5 सेंटीमीटर बताई गई है, किसी में 9 सेंटीमीटर बताई गई है। तो इसको आप डिस्कस करिए, कई जगह सर्च कर लीजिए, कई अच्छी बुक्स को पढ़ लीजिए। मेरे पास दोनों डाटा हैं, कोई एग्ज़ाम अगर आता है तो वहाँ पे आप देखें कि भाई नियर बाई क्या डाटा आपके पास रीच कर रहा है तो उसको आप मार्क करोगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीट्स का, जिसको आप मोती बोल सकते हो, मनका बोल सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीट्स का कारोबार होता था, व्यापार होता था, जिसका एग्ज़ाम्पल आपको चंदोड़ों में मिला हुआ है, लोथल में मिला हुआ है। दोनों ही जगह इसको बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, और ये मोती जो बनते थे इन मोतियों को वहाँ से मेसोपोटामिया है या इजिप्ट है या आसपास के जो सेंटर्स थे वहाँ पे भेजा जाता था। ये जो मोती होते थे ये सेलखड़ी पत्थर, ये सॉफ्ट स्टोन होता है, चर्ट, गोमेद, कांचली मिट्टी, जैस्पर, एगट, क्वार्टाइज, फ्लिंट, जैसे जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के हिसाब से ये बनते थे। अब इनको पत्थर जैसे मान लीजिए ले लिया गया, फिर इसको आप मशीन में डाल के राउंड अप करते थे, फिर बर्नी से इसके बीच में छेद किया जाता था, और छेद करने के बाद में इसको धागे की सहायता से पहना जाता था। ये आप एक कलेक्शन देख रहे हो। अब कांचली मिट्टी जो होती है इसके भी यहाँ पे बीड्स मिले हुए हैं। ये मिट्टी क्या होती है, जिस मिट्टी में कांच का पार्ट ज़्यादा होता था उसको वो बेक करते थे, तो बेक करने के बाद में उस मिट्टी के साथ में कांच के जो पोर्शन होते थे वो भी मिल जाते थे। तो ऐसा जो टेराकोटा होता था जिसमें कांच के भी सब्सटेंस ज़्यादा हैं उसको वो भी वो बीड्स के फॉर्म में यूज़ करते थे। तो कांचली मिट्टी के भी बीड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं, और इसके नेकलेस बना के या जो इंडस वैली के निवासी थे वो पहनते थे, कैरी करते थे, और ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में मिले हुए हैं, और ये काफ़ी बड़े उद्योग के फॉर्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप था। खेलने के लिए पासे भी वहाँ पे बनाए गए थे। ये पासों का आपको सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म मिलता है जो इंडस वैली में अवेलेबल है। बाल बनाने के लिए कंघियाँ भी वहाँ पे मिली हुई हैं, हाथी दांत की, वुडन की ये कंघियाँ वहाँ पे मिली हुई हैं। ये लगभग आपको हर इंडस वैली का जो सेंटर है वहाँ पे मिला हुआ है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सील्स का। सील का यूज़ अगर आप देखा जाए तो इसके लिए इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कोई बोलता है कि इसको एज ए उन्होंने करेंसी की तरह यूज़ किया गया, कोई बोलता है कि ये एक तरह से सिंबॉलिक फॉर्म थी, कोई बोलता है कि भाई ये एक तरह के समूह का जो नेतृत्व करता था उसका होता था। तो जो इंडस वैली में सील्स मिली हुई हैं वो ब्रॉन्ज में मिली हुई हैं, ब्रॉन्ज मतलब कि कांसा स्टोन की मिली हुई हैं, हड्डी की भी मिली हुई हैं, मिट्टी की भी मिली हुई हैं। मोस्टली जो आपकी वहाँ पे सील्स मिली हैं वो सेलखड़ी पत्थर की हुई हैं। सेलखड़ी तरह से सोप स्टोन होता है, मुलायम सा पत्थर होता है, उससे वो लोग बनाते थे। ये जो मोहरें हैं ये मोहरें आपको मेसोपोटामिया में भी मिली हुई हैं, इजिप्ट में भी मिली हुई हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि इसका जो ट्रेड था इंडस वैली का
वो मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इजिप्ट तक जाता था। इंडस वैली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका एक रिलीजियस एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, वो है स्वास्तिक। अब सभी को पता है कि हिंदुज़म में स्वास्तिक को एक काफ़ी होली आइकन के रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो जो स्वास्तिक है, इसका हमें सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वो इंडस वैली में ही मिलता है, वो भी एक सील फॉर्म में। आप देख रहे हो कि ये जो स्कल्पचर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये जो सील है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम पशुपति की सील बोलते हैं। ये मोहनजोदाड़ो में मिली हुई है, और इसके अलावा भी कई सारी सील्स मिली हुई हैं, जिनमें से तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वाली सील में आप देख रहे हो कि एक इंसान है जिसके सर के ऊपर एक हेड गियर है, और चार पावरफुल एनिमल्स हैं, लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, गैंडा हो गया या बायसन हो गया, वो इसके सराउंडिंग में है, और ऊपर एक पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में कुछ इंग्रेविंग्स हैं। अब पिक्टोग्राफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इतिहासकारों ने एक आम मत बनाया है वो ये मनाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफिक थी, वो चित्रात्मक थी, वो आज भी पढ़ी जा नहीं सकी है। और इस पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में जो लेटर्स थे वो अभी तक के एग्जर्वेशन के हिसाब से करीब 400 के आसपास मिलते हैं। ये एक सील मिली हुई जिसमें आप एक क्रोकोडाइल देख सकते हो, क्रोकोडाइल एक फिश है, उसकी हंट कर रहा है। इस सील में आप देख सकते हैं कि एक बाय डिवीज़न किया गया है, यानी कि किसी भी चीज़ को द्विपाश श्रृंखला में काटा गया है, और एक यूनिकॉर्न है और ऊपर पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष और यूनिकॉर्न, ये दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी होली फॉर्म में, काफ़ी पवित्र रूप में अडॉप्ट किए गए हैं। पीपल का वृक्ष आपको कई जगह मिलता है। इस तरीके से जो यूनिकॉर्न है, जिसमें एक सिंग वाला पशु है, ये कई इतिहासकारों का मत है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वीकार किया गया है, और ये एक काल्पनिक पशु है जो एक भेड़ के आकार का या एक मेढ़े के आकार का रहा होगा, जिसकी एक सींग है। तो ठीक है, अब आपकी जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि एक ऐसा पशु है जिसका जो पूंछ है वो सर्प की तरह है, जो बैक पोर्शन है वो शेर की तरह है, बीच का जो पोर्शन है वो हिरण की तरह है। सिमिलर वे में आगे एक ट्रंक भी है, और इसकी जो सींग है वो एक बुल की तरह है। तो ये एक कलेक्टिव फॉर्म का जो एक स्पिरिचुअल फिगर हमें दिखता है, ये एक ओल्डेस्ट एक हमारे सामने एविडेंस है जो हिंदुज़म की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कल्पचर है, या जिसको हम याली बोलते हैं, आपके सामने दिख रहा है। ये याली आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इवन ये नॉर्थ इंडिया में भी है। ये एक स्पिरिचुअल क्रिएचर होता है जो देवताओं के सेवा में लगा होता है। तो उसका एक हमें बहुत ही पुराना एविडेंस जो इस सील फॉर्म में है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हो, ये किसी सील्स के पीछे एक उसको बांधने के लिए, गले में पहनने के लिए भी एक उन्होंने उभार बनाया था, जिसको उन्होंने बीच में ड्रिल करके होल किया हुआ था, जिससे आप सील को अपने गले में भी पहन सकते थे। तो कई इतिहासकारों का ये भी मत है कि सील का प्रयोग वो आभूषण की तरह भी करते थे। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सील को उन्होंने एज ए ताबीज है उसको बांधने के लिए भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हो कि यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न की एक ही सेम पोस्चर में हेड डाउन भी है, हेड फ्रंट भी है, और हेड बैक साइड में भी है। तो ये एक ही पोस्चर को अलग अलग फिगर्स में, अलग अलग मोशन में दिखाने का, ये मेरे हिसाब से एक ओल्डेस्ट एविडेंस है जो हमें इंडस वैली में देखने को मिलता है। यहाँ पे गैंडा दिखाया गया है जिसके ऊपर एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कुछ लिखा गया है। हाथी भी है इसमें, जो सील है इसमें देख रहे हो कि एक आदमी है, बीच में दो जो लाइन है वो उनको पकड़ के होल्ड किया हुआ है, और ऊपर कुछ पिक्टोग्राफिक फॉर्म में एविडेंस है। तो इन सब एविडेंस के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स थी वो अपने आप में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट थी, और वो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए भी हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो कि यूनिकॉर्न है, एक काल्पनिक पशु है जिसका एक सिंग दिख रहा है। कई इतिहासकार बोलते हैं क्योंकि इसको हम पार्ट यानी साइड से इसको दिखाया गया है, तो साइड में किसी जानवर के दो सिंगे भी हैं, तो हमें एक सिंग ही दिखाई देती हैं। तो कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि
नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह पे जब उन्होंने कोबरधारी बैल को बनाया है तो उसके दो सिंगे भी दिखाई गई हैं। तो इसका जो मैक्सिमम एडॉप्टेशन है वो यही है कि ये एक काल्पनिक पशु है और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, काफ़ी ज़्यादा उसको अडॉप्ट किया गया है। इसके सामने आप देख रहे हो कि एक होल्डिंग पिलर है जिसमें इसको टैग किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बैल है, एक वृषभ है जिसके दो सींगें दिखाई गई हैं, इस तरह की एक सील भी है और सेम उसी चीज़ को उन्होंने क्या किया है, वहाँ के जो मृदभांड थे उस पर भी उनको उसको बनाया हुआ है। तो जो एविडेंस आपके सील्स के फॉर्म में मिलते हैं, इंडस वैली के आर्टिस्ट ने उसको वहाँ के जो बर्तन थे, जो यूटेंसिल्स थे, उससे भी उन्होंने उसको बनाना शुरू कर दिया था। अब जो लास्ट आपका आर्टिफैक्ट आता है वह यूटेंसिल्स, जो बर्तन हैं, ये बर्तन आपको प्रिंटेड भी मिले हैं और नॉन प्रिंटेड भी मिले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि विदाउट प्रिंटेड डिज़ाइंस हैं, क्लासेस आप यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं, और सेम वे में वहाँ पे आपको प्रिंटेड भी मिले हुए हैं। अब इन जो बर्तन थे, इनका जो यूज़ था वो धार्मिक रूप से भी होता था, डेली के जो दैनिक ज़रूरतें होती थी उनमें भी होता था, और जो शवाधान होता था जहाँ पे कोई इंसान जिसकी अंतिम क्रिया करी गई है उसके साथ में भी इन बर्तनों को रखा गया है। तो इन बर्तनों काफ़ी वर्सटाइल यूज़ था। ये जो बर्तन थे इसमें दो तरह के बर्तन में डिवीज़न कर सकते हो। एक वो बर्तन जो नीचे पेंदी से पॉइंटेड थे, जैसे आप ये देख रहे हो इसका मुंह चौड़ा है, उसका जो बेस है वो पतला है। ऐसे बर्तन काफ़ी बड़े आकार में बने हुए हैं और इनको ज़मीन में गाड़ के या स्टैंड में रख के रखा जाता था। जैसे ये भी आप बर्तन देख रहे हो, इसमें पेंटिंग नहीं की गई है लेकिन जो इसका बेस है काफ़ी ज़्यादा पतला हुआ है, इसको ये लोग ज़मीन में गाड़ देते थे और या कोई स्टैंड होता था उसके उसको रखते थे, उसके बाद में इसे आप यूज़ करते थे। तो कई बर्तन हैं जो इंडस वैली के सेंटर्स में हैं वो ज़मीन में वैसे ही गड़े मिले हैं आधे, और काफ़ी बड़े साइज़ में हैं, जो ये आपके एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है आप देख सकते हो। इसके अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो इसमें फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है। ये फ्लावर का डेकोरेशन काफ़ी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, सिमेट्रिकल वे में किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल वे में नीचे जो फ्लावर्स हैं वो बनाए गए हैं और ऊपर एक पक्षी है उसको दिखाया गया है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सिंपल डिज़ाइन में भी कलर वहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीपल के पत्ते को उन्होंने भी दिखाया है और इसको सिंपल लाइन से इसको लीनियर वे में कलर किया गया है। इस फिगर में आप देख रहे हो कि एक तीतर बनाया गया है और उसके साइड में जो हैंडकॉम्ब हैं या कंघी से बोलते हो वो दिखाई गई हैं, और काफ़ी फोक फॉर्म में फ्लावर्स और पीपल के पत्तों को वहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी जो वहाँ पे यूटेंसिल्स मिले हुए हैं वहाँ पे एक आर्टिस्टिक फॉर्म में फिशेस को दिखाया गया है, बर्ड्स को दिखाया गया है, या जो आपके यूनिकॉर्न थे उनको भी इन्होंने जो वहाँ के बर्तन थे उसके ऊपर उनको बनाया है। तो अगर हम कला की दृष्टि से देखें, चित्रकला की दृष्टि से देखें, तो फिर इनकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा रिदमिक थी और ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम में कुशल थे। ये अपने आप में थोड़ा विशेष पात्र है क्योंकि इनका जो ब्यूरियल्स हुए हैं, जहाँ पे इनको शवाधान हुआ है वहाँ पे भी इनको यूज़ किया गया था, और ये छिद्रित हैं, इनको बीच में कट किया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई इसमें उनके जो अंतिम सामान होते थे उनको रखा जा रहा था। कई लोगों का ये मत है कि भाई अगर कोई सामान है जिसके जो गीला है या पानी जिसमें रिसता है तो उसके लिए भी इनका यूज़ किया गया था। तो फिलहाल अगर हम बर्तनों के बारे में बात की जाए तो इंडस वैली के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इन यूटेंसिल्स हैं, ये जो बर्तन हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा सोच अपनी प्रस्फुटित करी है और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अतुलनीय हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो आज से 5,000 साल पहले इस तरह की आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो अपने आप में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है जो अपने समकालीन अन्य नगरीय सभ्यताओं के सामने एक बेहतर और एक बड़ा उदाहरण के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से इन दोनों वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन
के आर्टिफैक्ट्स और उसकी जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय विन्यास था, उसके बारे में मोटा मोटा अध्ययन किया हुआ है। और ये एक प्रयासी है, क्योंकि अगर हम इसको और गहन अध्ययन करेंगे तो ये काफ़ी लंबे वीडियोस बन सकते हैं। तो होप सो आप सभी को इस प्रयास से कुछ फ़ायदा हो। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।